बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज हजारों की संख्या में छात्र STET की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन BPSC के द्वारा उनसे फिर से परीक्षा देने की बात की जा रही है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और राजभवन के बीच चल रहे विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, आइए सुनाते हैं। देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह के STET के बच्चे ने पास करके 80,000 लोग पास हुए और उसके बाद भी BPSC लगातार इसके लिए अड़ा हुआ है कि हम परीक्षा लेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। नौजवान जिसने परीक्षा पास किया है उसको तुरंत नौकरी देना चाहिए, मैं जरूर आग्रह करूँ। क्या लग रहा है शिक्षा मंत्री KK पाठक का नाम सुनकर मीडिया से भागते हुए नजर आते हैं? सर, BC और राजभवन, देखिए जो स्थिति है सरकार की, वो सबसे लड़ाई करना चाहते हैं। लड़ने से कुछ नहीं होता है, यदि मिलकर विकास करने की चर्चा करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बिहार में राज्यपाल महोदय और सरकार में कभी टकराव नहीं रहा है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वह बड़ा स्पष्ट लगता है कि दलित वर्ग से महामहिम राज्यपाल आते हैं तो सरकार उनके प्रति नजरिया ठीक नहीं रखे हुए। जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरह से STET के अभ्यर्थी परीक्षा दे करके पास किए हैं तो उन्हें अब नौकरी देनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि राज्यपाल महादलित परिवार से आते हैं, समाज से आते हैं, जिसके कारण आज स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।